हाय दोस्तों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ वेज एंड डैश फॉर्मूला को फिशर प्रोजेक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है और फिशर को वेज एंड डैश फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह कन्फॉर्मर में न्यूमान प्रोजेक्शन कैसे बनते हैं और इनको सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं, तो आज मैं इन्हीं चार टाइप के स्ट्रक्चर पे डिस्कस करूंगा। तो आप ध्यान से देखिए। एक रिक्वेस्ट आपसे है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो दोस्तों शुरू करते हैं डैश एंड वेज फॉर्मूला से। जनरली आपने कई बार किसी मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर देखा होगा तो वो कुछ इस तरह से लिखा होता है, यानी इसमें तीन तरह के बॉन्ड है। एक ये वाला बॉन्ड जो कि डैश लाइन से रिप्रेजेंट करता है, एक ये वाला बॉन्ड जो कि सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करता है और दो ये वाले बॉन्ड जो कि नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखे दोस्तों, जो ये नॉर्मल लाइन है, यहाँ पर एटम होंगे वो ऑन द प्लेन होंगे। इसी तरह अगर जो एटम डैश लाइन पे होगा वो बिलो द प्लेन होगा और जो एटम सॉलिड लाइन पे होंगे वो अबोव द प्लेन होंगे। तो यानी इन चारों लाइन का ये मतलब होता है। इस तरह हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3D स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर इस कंपाउंड को मैं इस तरह से रोटेट कर दूं तो ये मुझे कुछ ऐसे दिखेगा, यानी ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ऊपर आ जाएंगे इस तरह से और ये दोनों बॉन्ड जो ऑन द प्लेन पे है ये बिलो द प्लेन चले जाएंगे। तो अब केवल हमें दो टाइप की लाइंस दिख रही हैं, एक ये वाली लाइन जो कि बिलो द प्लेन होगी और ये वाली भी बिलो द प्लेन होगी और ये दोनों बॉन्ड अबोव द प्लेन होंगे इस तरह से। यानी वर्टिकल लाइन पे जो भी ग्रुप होंगे वो बिलो द प्लेन होंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी ग्रुप होंगे वो अबोव द प्लेन होंगे अकॉर्डिंग टू डैश एंड वेज फॉर्मूला। तो इन्हीं स्ट्रक्चर को हम डैश एंड वेज फॉर्मूला बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, डैश एंड वेज फॉर्मूला को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये मैंने एक वेज एंड डैश फॉर्मूला लिखा है और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं जैसा मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। इन दोनों फॉर्मूला को हम बोलेंगे डैश एंड वेज फॉर्मूला और इनका अगर हमें फिशर फॉर्मूला बनाना होता है तो वो कुछ बनेगा इस तरह से। ये मिडल में कार्बन है और ये मैंने चार लाइनें लिख दी है, 1, 2, 3 और 4। यानी ये चारों के चारों लाइन, ये चारों के चारों लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो भी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन ये बन जाएगी और जो भी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होगा वो वर्टिकल लाइन ये बन जाएगी और इसको हम बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन। यानी फिशर प्रोजेक्शन में जो वर्टिकल लाइन है इसका मतलब है बिलो द प्लेन और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब है अबोव द प्लेन। तो इस तरह से हम वेज एंड डैश फॉर्मूला को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर वेज एंड डैश फॉर्मूला में कोई मॉलिक्यूल है तो यानी ये बिलो द प्लेन, ये अबोव द प्लेन और ये दोनों ग्रुप ऑन द प्लेन, इसको मैं अगर रोटेट कर दूं तो ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में आ जाएगा। यानी अब H और OH दोनों के दोनों अबोव द प्लेन आ गए और COOH और CH3 बिलो द प्लेन आ गए। अब सीधे सीधे मैं इसको फिशर में कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, यानी OH और H हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं तो ये अबोव द प्लेन है और COOH और CH3 वर्टिकल लाइन पे हैं, तो इसका मतलब ये फिशर प्रोजेक्शन में बिलो द प्लेन है। तो फिशर प्रोजेक्शन में आप इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज करके बताता हूं कि ये कोई फिशर प्रोजेक्शन में कंपाउंड दे रखा है और हमें इसका वेज एंड डैश फॉर्मूला पता करना है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, दो ग्रुप जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं वो हमेशा अबोव द प्लेन होंगे और जो दो ग्रुप वर्टिकल लाइन पे हैं वो बिलो द प्लेन होंगे। तो इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं, तो यहाँ H आ गया और इधर OH आ गया, तो ये दोनों ग्रुप जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं ये अबोव द प्लेन होंगे और जो दोनों ग्रुप वर्टिकल लाइन पे हैं उनको मुझे बिलो द प्लेन रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन लिख दी है। तो ऊपर मैं लिखूंगा एल्डिहाइड ग्रुप और नीचे लिखूंगा अल्कोहल ग्रुप। तो इस तरह से मैं इसको वेज एंड डैश फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकता हूं और इसका एक और लिखने का तरीका है, तो जो दोनों वर्टिकल ग्रुप है ये दोनों अब ऑन द प्लेन पे आ जाएंगे इस तरह से, तो ये आ जाएगा इधर CHO एंड CH2OH और जो ग्रुप राइट हैंड साइड है वो आ जाएगा सॉलिड लाइन पे और जो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगा ब्रोकन लाइन पे कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम फिशर प्रोजेक्शन को वेज एंड डैश फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको वेज एंड डैश से फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप प्रीवियस स्लाइड को देख के
कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फिशर को वेज एंड डैश और वेज एंड डैश को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कन्फॉर्मर। कन्फॉर्मर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्मूलाज हैं, एक है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन और दूसरा है न्यूमान प्रोजेक्शन। इन दो मेथड्स की मदद से हम कन्फॉर्मर को रिप्रेजेंट करते हैं। और कन्फॉर्मर क्या होते हैं इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे देख के कन्फॉर्मर के बारे में सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा। तो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये एक ऐसा मेथड है जो 3D फॉर्मूला को 2D सरफेस पे यानी पेपर पे हम लिख सकते हैं। दूसरा, इसमें जो हम बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे वो डायगनली रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा वो डायगनली लिखा जाएगा। थर्ड पॉइंट है, जो कार्बन लोअर लेफ्ट की तरफ होता है वो फ्रंट कार्बन कहलाता है और जो कार्बन अपर राइट होता है वो बैकवर्ड कार्बन होता है। तो यानी अगर दो कार्बन है तो नीचे वाला कार्बन फ्रंट कार्बन और ऊपर वाला कार्बन बैक कार्बन होगा। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा अभी मैं जस्ट आपको रिप्रेजेंट करता हूं। पहले बात करते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन के कुछ स्पेसिफिकेशन की। तो पहला पॉइंट है, न्यूमान प्रोजेक्शन में ये भी एक ऐसा मेथड है जो कि 3D फॉर्मूला को पेपर पे हम इसको लिख सकते हैं, यानी 2D सरफेस पे लिख सकते हैं। दूसरा, इसमें जो मॉलिक्यूल को देखने का तरीका है वो अलोंग द बॉन्ड है। तीसरा पॉइंट है, जो फ्रंट कार्बन होगा उसको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें जो तीन ग्रुप जुड़े होंगे उनके बीच इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए और वो होता है 120 डिग्री। इसी तरह जो रेयर कार्बन होगा उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और उससे जो जुड़े हुए तीन एटम और ग्रुप है उनके बीच भी सेम इक्वली स्पेस्ड होगा। अभी मैं जस्ट सॉहॉर्स और न्यूमान प्रोजेक्शन को आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं सॉहॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ एथेन। एथेन को हम इस तरह लिखते हैं CH3CH3, और अगर इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये CH3CH3 इस तरह लिखा जाता है। और मोस्टली एथेन के तीन कन्फॉर्मर होते हैं, एक का नाम है स्टैगर्ड, दूसरे का नाम है एक्लिप्स्ड और तीसरे का नाम है स्क्यू और गॉश। ये क्या होते हैं इसको डिटेल में मैं नहीं बताने वाला, केवल मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा। तो इसमें हम इसको फर्स्ट कार्बन मान लेते हैं कार्बन 1 और इसको मान लेते हैं कार्बन 2। अब देखिए कैसे बनेंगे, कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा वो डायगनली रिप्रेजेंट होगा। तो पहले हम डायगनल स्ट्रक्चर बना लेंगे इस तरह से। अब देखिये दोस्तों, ये तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ इस तरह से। अब दूसरे कार्बन में एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ और तीसरा हाइड्रोजन इस तरह से। तो इस तरह से हम न्यूमान प्रोजेक्शन में एथेन की स्टैगर्ड फॉर्म बनाते हैं। अगर आप इनको देखोगे तो इनके बीच गैप मिलेगा। देखिए इसको अगर यहाँ से हम देखें, इस एरो से अगर देखें तो ये H इधर आ रहा है और ये तीनों H के बीच में मैक्सिमम गैप मिलेगा, यानी इस H की रिलेटिव पोजीशन और इस H की रिलेटिव पोजीशन के बीच मैक्सिमम गैप है। स्टैगर्ड में ये गैप मैक्सिमम होता है, एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर में ये गैप मिनिमम होता है। तो अब मैं एक्लिप्स बनाता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट है, डायगनली मैं इनको लिख दूंगा इस तरह से। ये तीन हाइड्रोजन, एक दो और ये तीन हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी सेम बनाऊंगा मैं, ये कुछ ऐसे बनेगा। अब देखे दोस्तों, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन लगभग एक दूसरे के जस्ट पीछे आ रहा है, जबकि इस केस में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के पीछे नहीं है। तो इस तरह से एक्लिप्स फॉर्म बनेगी और स्क्यू और गॉश में इन दोनों के जस्ट बीच की फॉर्म बनेगी। ये तीन हाइड्रोजन, एक दो और तीन, और यहाँ पर ये तीन मैं इस तरह बना सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बना दिए हैं एथेन के। अब अगर मैं बात करूँ स्टैगर्ड की, तो स्टैगर्ड में एक कार्बन के हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन, यानी ये C1 और ये C2 के हाइड्रोजन के बीच जो डायहेड्रल एंगल बनता है उसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, जबकि एक्लिप्स के बीच C1 और C2 कार्बन के हाइड्रोजन के बीच जो एंगल बनता है उसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री, और स्क्यू और गॉश फॉर्म उसकी वैल्यू होती है बिटवीन 0 to 60 डिग्री, यानी 0 to 60 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल पॉसिबल है। अब ये जो डायहेड्रल एंगल क्या होता है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से हम सॉहॉर्स प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट न्यूमान प्रोजेक्शन ऑफ एथेन। सेम वही एथेन का ये दो कार्बन का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, इसको मैं बॉन्ड लाइन में कुछ इस तरह भी ले सकता हूं। और एथेन के न्यूमान प्रोजेक्शन में तीन कन्फॉर्मर होते हैं, एक का नाम स्टैगर्ड, दूसरे का नाम एक्लिप्स्ड और तीसरा होता है स्क्योर गॉश। अब इसको अगर मैं C1 मान लूं और इसको C2 मान लूं तो न्यूमान प्रोजेक्शन में हमें इस तरह से व्यू करना होता है, यानी अलोंग द बॉन्ड हमें व्यू करना होता है। तो एक कार्बन फ्रंट पे आ जाएगा और दूसरा कार्बन जस्ट उसके बैक साइड आ जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि पहले कार्बन को हम केवल एक सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके तीन हाइड्रोजन को हम इस तरह से लिख देंगे। दूसरे कार्बन को हमने सर्किल से रिप्रेजेंट किया तो इस तरह से इसको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके तीनों हाइड्रोजन होंगे 1, 2 और 3 इस तरह से। तो इन दो हाइड्रोजन के बीच इस समय मैक्सिमम गैप है और इसमें जो थीटा की वैल्यू आएगी वो होगी 60। अब एक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होगा, सारे हाइड्रोजन एक दूसरे के पास पास होंगे, तो सेम एक ये कार्बन और इसके तीनों हाइड्रोजन 1, 2 और 3 और ये दूसरा कार्बन सर्किल से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके हाइड्रोजन अब पास पास होंगे तो 1, 2 और 3 इस तरह से। तो एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये और तीसरा हाइड्रोजन ये। तो यानी इस समय आपको दिख रहा है कि जो डायहेड्रल एंगल होगा वो होगा 0 क्योंकि इन दोनों के बीच कोई भी गैप नहीं है। अगर हम बात करें स्क्यू की तो स्क्यू फॉर्म में स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच की कंडीशन होगी। तो मैं रिप्रेजेंट करता हूं ये कार्बन डॉट से और उसकी ये तीनों हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन सर्कल से रिप्रेजेंट किया और उसके तीनों हाइड्रोजन इस तरह से प्रोजेक्ट होंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि स्क्यू में डायहेड्रल एंगल 0 से और 60 के बीच कुछ भी हो सकता है। इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे न्यूमान प्रोजेक्शन। तो इस तरह से हम एथेन के न्यूमान प्रोजेक्शन को लिखते हैं। तो ये था दोस्तों न्यूमान प्रोजेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।